तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग पे। तो मैं और मनीष भाई जा रहे हैं आज परेवादा घूमने, तो चलिए दिखाते हैं कैसा सीन है, क्या है उसका। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आगे मिलते हैं आपसे। तो बलरामपुर से जाते समय आपका राइट साइड पड़ेगा परेवादा, ये है यहाँ का मंदिर। हम लोग तो कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है, तो चलिए हम लोग जाके दिखाते हैं पूरा एकदम। अभी बनाया है पूरा मुरम डाल के भैया, उनको जंगल में पूरा आगे लगा दिया, देख रहे पूरा काला काला। तो 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा हम लोग को अभी, तो उसके बाद फाइनली पहुँचेंगे वहाँ पर। वहाँ देख सकते हो यहाँ घाट है, बहुत ज़्यादा घाट पड़ रहा है। अभी हम लोग 2 या 3 घाट पार कर चुके हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, फिर उसके बाद पहुँचने वाले हैं। रामपुर जिला के सेमरपुर जंगल में है, बरसात के समय और ज़्यादा अच्छा लगता है। बरसात खत्म होने के बाद ही आए आप लोग, घूमना है आपको बढ़िया से। और ये 4th या 5th घाट पर रहा है, देख सकते हो। तो फाइनली पहुंच ही चुके हैं हम लोग, 2 किलोमीटर चल रहे हैं। तो कुछ है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है पूरा, यहाँ पर काफ़ी प्लान कर दिए हैं पूरा बढ़िया से। चलिए चल के दिखाते हैं कैसा है क्या पूरा वीडियो में। दिखाते हैं आपको नज़ारा, यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं आप लोग। देख सकते हो पूरा पानी गिरेगा तो उसके लिए बचत है, पूरा चूल्हा वूल्हा बकायदा बनाया गया है। देख सकते हो यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान बोलना चाहिए, और पानी गिरता है नीचे, इधर हल्का हल्का गिर रहा है पानी, तो नीचे जाके दिखाएंगे थोड़ा सा। और यहाँ पूरा नीचे तो नहीं उतरेंगे फिलहाल, अभी कहा कि मतलब लेट हो जाएगा, तो बाद में जब ज़्यादा पानी रहेगा तब सेकेंड ब्लॉक में आएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे अब, तो नीचे जाके दिखाते हैं आपको क्या सीन है। यहाँ पहुँचने के बाद भी घाट, उतरने के बाद भी घाट, क्या बोलेंगे, जो है देख सकते हो सामने है। तो चलिए हम लोग इधर से नहीं उतरते हैं, इधर से उतरते हैं, मेन जगह को दिखाता हूँ डायरेक्ट। बरसात ख़त्म होने के बाद आइएगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है इसका। देख सकते हो बड़ा बड़ा चट्टान है यहाँ पर, पूरा एक से एक पत्थर है, और कोई भगवान का यहाँ पे पैर है जिसमें पूजा पाठ भी करते हैं लोग आके। एक तो बड़ा सा पैर है और उस पार है जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, वही अगल बगल में है।
पानी देख सकते हो यहाँ पे, छोटा झरना जिसको बोलना चाहिए तो, नहाने के लिए बढ़िया जगह है। देख सकते हो पूरा फिट चटाने चटान है, करेगा बन है। इधर से पानी आके इधर से और यहाँ से होते हुए देख सकते हो पूरा जाता है। यहाँ पे पानी घूमता है और नीचे और जाके दिखाता हूँ। चलिए बिछल ही देख रहे, पत्थर फिसलने वाला है तो कृपया संभल के चलें जब भी आप आते हैं। यहाँ पर पानी घूमता है, राउंडिंग मारता है बोलना चाहिए, ऐसे आता है, आने के बाद घूमता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ गिरता है। देख सकते हो यहाँ पूरा मस्त पानी है, ठंडा ठंडा कूल कूल नहाने के लिए बढ़िया जगह है। गर्मी टाइम में घूमने आओगे तो बेटर रहेगा, मैं तो बोलता हूँ। बरसात में भी रहेगा पर नीचे नहीं उतर पाओगे। और फिर यहाँ से पानी गिरता है नीचे, देख सकते हो झरना, छोटा झरना दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गाइस परेमादह का झरना है और पानी नीला नीला दिख रहा है नीचे, और इधर पहाड़ है पूरा फेमस और जंगल का बीच में है बोलना चाहिए तो, बहुत बड़ा चट्टान है इधर, नीचे बालू ही बालू है। तो चलिए मैं वहाँ पर सामने जाके दिखाता हूँ थोड़ा। गुफा है रहने के लिए, इसमें सो भी सकते हैं, पानी उनी आएगा तो, रात में रुकना हो तो जगह बढ़िया है पत्थर के नीचे। यहाँ पर भी एक तो गुफा है और पत्थर के नीचे देख सकते हो पूरा गाइस, का ही बोलूँ, नीला नीला, वाह ऑसम जगह यार। और यहाँ से पानी गिर रहा है, यह झरना, तो मैं जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगा पूरा। तो फाइनली थोड़ा नीचे आ चुका हूँ, पूरा नीचे तो नहीं गया हूँ, अब यहाँ से गिरेगा तो कोई बचेगा नहीं यार, देख सकते हो बहुत ऊपर है, मतलब 50 मीटर समथिंग होगा। तो नहाना होगा तो डेगने मज़ा आएगा, पानी तो देख ही सकते हो काफ़ी नीला है और गड्ढा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पत्थर के जस्ट नीचे। और ये झरना है, छोटा झरना, और सीन पूरा देख सकते हो जो है एकदम नेचर का सीन तो जानिए रहे यार, बवाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं जहाँ पूजा वूजा करते हैं वहाँ का दिखाते हैं सीन थोड़ा, फिर चलते हैं हम लोग। ये हम लोग आपको जो भगवान का पैर है एक छो जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ का दिखाते हैं सीन। तो चिकना है काफ़ी पत्थर, तो मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ कहाँ पे है, मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है किधर है। सीसी उसी फोड़ दियो यार, थोड़ा ऐसा मत करना, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इधर है तो चलते हैं, थोड़ा गंदगी तो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं यार, अभी बोलो आप मानते नहीं हैं, कृपया करके बोतल को ना फोड़े, बाद बाकी तो सब कुछ कर सकते हो लेकिन बस बोतल को ना फोड़े तो बेटर रहेगा। तो कोई भी भगवान, चाहे राम हो या सीता हो या फिर जितने भी देवी देवता हैं, कहीं ना कहीं जंगलों के बीच में ही बसे हुए हैं, तो हमको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, चलते हैं ऊपर की ओर। की पैर वहाँ पे है यार, तो ये आप देख सकते हो अद्भुत अपना आकृति लिए हुए। यहाँ पे पैर का निशान है या फिर किस चीज़ का निशान है पता नहीं, और पूरा पत्थर पूरा लाल कलर में है। इधर भी है सीलिंग वेलिंग पूरा परमा देवता, पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ। तो पैर तो दिख नहीं रहा यार, तो चलते हैं अब नीचे साइड, क्योंकि मेरे को लग रहा है उधर होगा, मैं भी बहुत दिन हो गया तो भूल गया हूँ। तो चलिए चलते हैं पीछे, फिर चलेंगे वापस। तो हम लोग बड़ा पत्थर पास आ चुके हैं, देख सकते हो बहुत बड़ा चट्टान है यार, का ही बोलूँ, इतना बड़ा चट्टान बलरामपुर में बस एक ही जगह है जो कि परेमा धाम है। और भगवान जी का पैर कहाँ पे था यार, भूल गया हूँ या फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं खोज के, मिल जाए तो, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सब चले सब। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा यार,
ना। हाँ तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान है, उसके नीचे देख सकते हो मस्त जगह है, यहाँ पे रुक भी सकते हो। तो देखते हैं एक बार और जाके, और यहाँ पे नहाने के लिए बढ़िया जगह है, मछली वछली भी है अंदर में बड़ा बड़ा, देख सकते हैं मछली। मछली देख सकते हो बहुत ही बड़ा बड़ा मछली। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, और इधर पानी आता है देख सकते हो ऊपर तक। मिला नहीं मिला, इधर चलना देखते हैं बार। नहीं झंडा तो वहीं पे है, हाँ मतलब पत्थर में है बड़ा वाला, तो उधरे था यार वहीं पे था, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, गायब हो गया था। तो यहाँ पर भी नहीं मिला, और देख सकते हो गाइस पूरा पत्थर ही पत्थर से घिरा हुआ है अरे माधव अपना बलरामपुर जिला का, जो कि अपने में एक सुंदरमयी सुंदर दृश्य है। फोटो शूट करने के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है परेमादा सेमा सा जंगल में। तो चलिए पैर वैर तो मिला नहीं यार, कहाँ बोले, तो चलते हैं वापस, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और पत्थर देख सकते हो काफ़ी बड़ा बड़ा है और मस्त है, मछली देख सकते हो यार पूरा, मछली इतना ज़्यादा है कि क्या ही बोलूँ मैं, पूरा मछली है, मछली है देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं, पकड़ने भी आएंगे तो कहाँ पकड़ने पाएंगे दादा। हाँ अभी तक आ जाएगा पानी को रोक के। तो चलिए चलते हैं, हाँ तो हम लोग अभी इधर इधर से ही चढ़ेंगे। सब चीज तो पार्टी वार्टी मनाना होगा तो काफी बेहतरीन जगह है, और बारिश आने आएगा तो यहाँ पर भी एक गुफा है, इसमें रुक सकते हैं या बच सकते हैं अपनों को भीगने से। पैर तो नहीं दिखा यार, अब क्या बोलूँ। तो चलिए अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो दिखा दूंगा। तो घाट चढ़ रहे देख सकते हो, दिमाग खराब हो गया। हम लोग का गाड़ी ऊपर में उधर, तो चलिए चलते चलते हालत ही खराब हो गया।